हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बीबी यादव, आपका साइंस टीचर। बच्चों, कल हमने पढ़ाया था भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, और उनके उदाहरण कुछ बताए थे। आज हम पुनः भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के और दूसरे उदाहरण को बताएंगे। प्रयोग के माध्यम से आप जानें कि फिटकरी के रवे का बढ़ना भौतिक परिवर्तन है, जबकि चने के बीज का अंकुरित होकर पौधा बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके लिए प्रयोग करते हैं कि एक बीकर के आधे भाग तक जल भर लेते हैं और उसमें थोड़ा फिटकरी डाल देते हैं और फिटकरी को घोलते हैं। फिटकरी का घुलना जब बंद हो जाए तो बीकर को गर्म करते हैं, तो फिटकरी घुल जाएगी, फिर उसमें फिटकरी और डालेंगे और फिर गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर अब फिटकरी का घुलना बंद हो जाता है। इस विलयन को छान लेते हैं, इसको कहते हैं फिटकरी का संतृप्त विलयन। यानी जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की और मात्रा का घुलना बंद हो जाता है तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। अब इस संतृप्त विलयन में क्या करते हैं कि धागे में एक फिटकरी का छोटा टुकड़ा बांध कर उस बीकर के विलयन में लटका देते हैं, और एक सप्ताह के बाद हम देखते हैं कि जो फिटकरी का टुकड़ा धागे से बांध कर लटकाया गया था वह कुछ बड़ा हो जाता है। तो हम पुनः इसे प्राप्त कर सकते हैं। फिटकरी का घोल था और फिर उससे फिटकरी का जो रवा है, टुकड़ा है, वह पुनः वृद्धि करता हुआ पा सकते हैं। तो यह जो एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन का है, लेकिन एक प्याले में मिट्टी रख करके भिगो कर और उसमें चने का बीज डाल दें तो कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि चना फूल जाता है, फिर अंकुरित हो जाता है और पौधा बनने लगता है। अब उस पौधे से पुनः हम सोचें कि उसको चना का बीज बना दें तो वो नहीं बनेगा, तो वह एक रासायनिक परिवर्तन है। और अगला है एक एग्जाम्पल कि एक डिब्बा है टिन का और उसमें पानी डाले, गरम जल, और उसे और गरम कर लें, और जब डिब्बे का पानी भाप बनने लगे, उबलने लगे, तो क्या करें, उसको हटा लें, उसको गैस पर से हटा लें और उसके ऊपर ढक्कन लगा दें और फिर उस पर ठंडा पानी डालें, तो हम ये देखते हैं कि वह डिब्बा पिचक जाता है और फिर ढक्कन खोल करके चाहें तो भीतर से पीट करके और उसको सही स्थिति में ला सकते हैं। तो परिस्थिति यानी गर्म करने पर वह भाप बनी, ऊपर गई और उसको आपने बंद कर दिया है ऊपर से ढक्कन से, तो भाप फिर पानी बनने लगती है, पानी उस पर डालते हैं तो वह ठंडी हो जाती है जिससे वह पिचक जाता है, दाब का ये प्रभाव रहता है।
तो डिब्बे की जो स्थिति है वो बदल जाती है कि वह पिचक जाता है, लेकिन उसे आप जो है ठोक करके ढक्कन खोल करके फिर सीधा कर सकते हैं। लेकिन एक सोडियम का टुकड़ा है और सोडियम के टुकड़े को यदि हम बीकर के पानी में डालते हैं तो वह पानी से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके जो है वह हाइड्रोजन गैस बनाता है तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ बनाता है। तो यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कि सोडियम के टुकड़े को पानी में डालेंगे तो वह पानी से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगर उसमें हम माचिस की तीली लगा दें बच्चों तो पानी में आग लग जाएगी, क्योंकि पानी पर जो है हाइड्रोजन गैस बन गई है, तो हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस होती है। तो इसलिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है और डिब्बे का पिचकना और सीधा होना वह भौतिक परिवर्तन अपने जूतों को ही देखते हैं कि जब आप उसे पॉलिश लगा के खूब रगड़ देते हैं तो वह क्या हो जाता है, चमक उसमें आ जाती है, क्योंकि इसमें मोम रहती है, चिकनी रहती है और जिससे धूल आदि के कण हट जाते हैं और वह चमकने लगती है, और फिर उस पर धूल आदि पड़ते हैं फिर वह बदरंग हो जाता है। तो यह एक भौतिक परिवर्तन है कि आप उसे रगड़ेंगे पॉलिश से तो चमक जाएगा और छोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। अब अगला उदाहरण है लोहे एवं गंधक के चूर्ण का मिश्रण बनाना, भौतिक परिवर्तन है। लोहा और गंधक का चूर्ण आपस में मिला दें तो वह भौतिक परिवर्तन है, लेकिन उस मिश्रण को यदि आप गर्म कर देती हैं तो वह रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ये भाई एक चम्मच लोहा का चूर्ण लिया और थोड़ा गंधक का चूर्ण लिया, एक कागज पर रख करके दोनों को मिला दिया तो मिश्रण बन गया। अब चाहें तो उसमें से लोहे के कण को आप अलग कर सकते हैं, एक चुंबक ले करके उस मिश्रण के ऊपर चुंबक को चलाएंगे तो जो लोहे के कण रहेंगे वह चुंबक से चिपक जाएंगे और उनको दूसरी जगह फिर छुड़ा करके अलग कर लेंगे। कई बार यह क्रिया करेंगे तो उस मिश्रण में से जो लोहे के कण हैं वो अलग हो जाएंगे और जो गंधक का चूर्ण है वह अलग हो जाएगा, और अगर उसको पानी में डाल दें आप तो भी आप देखेंगे कि जो लोहे का चूर्ण है वह नीचे बैठ जाएगा और जो गंधक है वह ऊपर तैरता रहेगा। तो उसे भी छान करके आप क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उसमें उसके गुण धर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह भौतिक परिवर्तन है, यानी लोहे का चूर्ण है और गंधक का चूर्ण है दोनों को आपस में मिला देते हैं तो उसे अलग भी आप आराम से कर सकते हैं। तो यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, लेकिन लोहे के चूर्ण और गंधक के चूर्ण को दोनों को मिलाकर अगर आप स्प्रिट लैंप पर गर्म करते हैं तो जब गर्म करेंगे तो उससे एक नया पदार्थ बन जाएगा और वह कहलाता है आयरन सल्फाइड। अब उसमें से आप चुंबक से चाहें कि आयरन या लोहा निकाल दें तो वह संभव नहीं है, क्योंकि दोनों मिल करके एक नया पदार्थ बना दिया है, आयरन सल्फाइड है, उसके गुण है उस पहले वाले से क्या है, भिन्न है। इसलिए यह कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है।
अगला उदाहरण है बच्चों, चीनी का जल में बना शरबत मीठा होता है, जबकि चीनी जलने पर कड़वी हो जाती है। भाई जैसे आपको चीनी का शरबत बनाना है, आपने गिलास में गिलास पानी लिया और उसमें 2 या 4 चम्मच आपने चीनी डाल दिया और उसको घोल दिया, जब चीनी घुल गई शरबत बन गया, तो अब उसको आप पीते हैं तो वो कैसा लगता है? मीठा लगता है। और लेकिन अगर चीनी को एक चम्मच में या बड़ा वाला चम्मच है उसमें थोड़ा चीनी या कलछुली है उसमें चीनी 2 चम्मच डाल करके और उसको गैस पर क्या करते हैं, गरम करते हैं, और जब गरम करते हैं और वह पिघलने लगती है, बुदबुदाहट होने लगती है, थोड़ी देर में वह काले रंग के पदार्थ में बदल जाती है। अब इसको अगर आप मिलावे पानी में तो क्या वह मीठी लगेगी? नहीं मीठी लगेगी, वह कैसी लगेगी? कड़वी लगेगी, क्योंकि चीनी को गर्म कर देते हैं तो उसमें रासायनिक क्रिया हो जाती है, एक नया पदार्थ बन जाता है जो चीनी से भिन्न होता है। कैरोमल का, कैरोमल यानी चीनी जो काले रंग की हो गई है गर्म करने पर, उसे कैरोमल कहते हैं। तो कैरोमल का जो जलीय विलयन है वह कड़वा हो जाता है, इस कैरोमल से पुनः चीनी को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए चीनी जलाने पर वह कड़वी हो जाती है। तो यह रासायनिक परिवर्तन है। और चीनी को साधारण जल में घोलकर शरबत बनाते हैं तो वह कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अब अगला उदाहरण है बच्चों कि लोहा, लोहा को गर्म करते हैं, खूब गर्म करेंगे तो लाल हो जाएगा, और फिर उसे लौ पर से हटाकर बाहर रख देंगे, थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा और पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा, जो उसका रंग था पहले का उस तरह का। तो वह भौतिक परिवर्तन है। लेकिन तवा है जिस पर रोटी बनाई जाती है और उस पर थोड़ा पानी डाल दें, तो हम कुछ दिन के बाद देखते हैं कि तवे पर भूरे रंग की परत जम जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? जंग लगना, कि तवे में जंग लग गया है। तवा किस चीज का बना है? लोहे का बना है। तो लोहे पर जब पानी डाल देते हैं तो उस पर 2-4 दिनों में क्या बन जाती है? एक भूरे रंग की, लाल रंग की परत बन जाती है, उसे हम कहते हैं जंग लगना। अब उसको हम सफेद कपड़े से जंग पर को साफ करें तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वह परत जो भूरे रंग की है वह छूटती है। तो वह लाल परत का बनना लोहे के ऊपर या भूरे रंग की परत का बनना जो जंग कहलाता है, तो जंग लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, और लोहे को गर्म करना जिससे वह लाल हो जाए और ठंडा करने पर पुनः स्थिति में आ जाए, तो वह भौतिक परिवर्तन है। लोहे को गर्म करना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। अब बच्चों, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? जैसे 2 कॉलम बना करके लिखते हैं, एक में भौतिक परिवर्तन और दूसरे में रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन पहला पॉइंट, वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जाता है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पूर्व वह अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ बन जाता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है और रासायनिक परिवर्तन
अस्थाई होता है। भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन संभव है, किंतु रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुण परिवर्तित हो जाते हैं। और फिर है भौतिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन सामान्यतया उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब कि उसको गर्म किया, जैसे बर्फ है, गर्म किया पानी बन गया, पानी को ठंडा किया पुनः बर्फ बन गया, यानी दोनों तरफ क्रिया हो रही है। और रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई कागज है, कपड़ा है, लकड़ी है, जला दें राख बन जाएगी, लेकिन राख से पुनः लकड़ी नहीं बनेगी, तो वह अनुत्क्रमणीय है। तो इस तरह से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में ये अंतर रहा। अब एक की है क्रिस्टलीकरण, यानी क्रिस्टल का बनना। किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े साइज के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं, यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यानी विलयन से क्रिस्टल प्राप्त करने की जो क्रिया है उसे क्रिस्टलीकरण कहती है। इसके लिए प्रयोग एक है बच्चों, कि एक बीकर में लगभग एक कप पानी ले लिया और उसने कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल दिया। कप में पानी लिया, अरे बीकर में, और उसमें कुछ बूंदें किसकी डाल दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल दिया। अब उस जल को गर्म करते हैं, उबालना प्रारंभ करते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट के चूर्ण डाल देते हैं और उसको चम्मच की सहायता से घोलते रहते हैं। और जब उस कॉपर सल्फेट का घुलना बंद हो जाता है तब उस विलयन को फिल्टर पेपर से छान लेते हैं। यह विलयन जो होता है संतृप्त विलयन रहता है। अब फिर उसको शांत ऐसे टेबल पर रख दें कि हिले डुले न, तो आप देखेंगे कि उस बीकर की तली में सुई के आकार के कापर के क्रिस्टल बने हुए दिखाई पड़ेंगे। और यह क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। तो इस तरह से किसी भी विलयन से क्रिस्टल प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो इस तरह से भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के इतने सारे प्रयोग और उदाहरण हमने आपको बताया। और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है इसे भी बता दिया। और ये चैप्टर बच्चों समाप्त हो गया और आज का क्लास यहीं तक। गुड बाय, थैंक यू बच्चों।